Salam, Namaste and Subhodayam in Telugu, as we are in Andhra. And right now is 6:43 in the morning. I'm kind of late. I was so tired that I slept so sound कि सुबह अलार्म का घंटी मैं सुना ही नहीं. एंड देन माय लगेज इज ओवर हियर एवरीवेयर एंड दिस आर थिंग्स विच नीड्स टू बी पैक्ड. आई थिंक आई विल बी एबल टू मेक इट बाय 7. तो लेट मी जस्ट पैक ऑल दिस थिंग्स एंड वी वुड लीव फॉर द रोड. Okay, so this was the hotel where I was staying in. Black and white motel. Nice one, pretty decent. Chalta hai. Thank you, kaka, chalta hu. Okay. So right now it's 7:51. I'm actually so late. So today I don't think I would go to Chennai. Instead, I am planning to be at Guntur, or this is what the name of the place is called. It's just exactly the midpoint between Vizag and Chennai, and I can go up to Chennai, but then the thing is that I would reach late, and then if I reach late, then I will get not much time to edit my vlogs, which I need, because ye Kolkata se lekar ke Vizag ka jo trip tha uska editing pura baki hai. I have not touched it. तो ये है. नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट वाइजैग इज जस्ट अ वेरी क्लीन सिटी. आई रियली लाइक द प्लेस वाइजैग. लास्ट टाइम आया था तो ऋषिगोंडा ये सब बीच घूमा, बट देन दिस टाइम आई एम नॉट एक्सप्लोरिंग वाइजैग बिकॉज ये मेरा आइटिनरी का प्लान नहीं है. सो दिस इज बाय द वे इज द वाइजैग टाउन. ऋषिगोंडा बीच पीछे है. ये GPS आंटी उल्टा लेने को क्यों बोल रहा है? जब ये एंटर किया था हाईवे से तो यही रास्ता था. हे भगवान. नाउ द प्रॉब्लम इज के यहाँ पे किसी को पूछूं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिंदी नहीं आता, और जिनको इंग्लिश नहीं आता तो बहुत प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन का. होटल स्टाफ दे डू नो इंग्लिश और हिंदी, मतलब होटल स्टाफ दे डू नो हिंदी, बट देन ये प्रॉब्लम है साउथ में. आई थिंक दैट आई मे फेस दिस प्रॉब्लम एंटायर थ्रू दिस राइड जर्नी. आई डोंट नो ये गूगल मैडम मुझे ये शहर क्यों घुमा रहा है, क्योंकि मैं एंटर जब किया था ये हाईवे से 2 किलोमीटर ही था, एंड नाउ ये पूरा शहर के अंदर घुमा रहा है मुझे. हे भगवान. दिस सिटी इज़ एक्चुअली क्वाइट क्लीन. डस्टबिन पब्लिक में, डस्टबिन ये कोलकाता में दिखने को नहीं मिलता. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कॉन्वेंट जंक्शन 2 किलोमीटर. फॉर द लास्ट 15 मिनट्स ऐसा पूरा घूम ही रहा हूँ शहर. आई डोंट नो ये गूगल मैडम को हो क्या गया है. एंड सिंस आई एम वेयरिंग दिस ग्लव्स, अभी प्रॉब्लम क्या होता है ना, इफ आई वॉन्ट टू ऑपरेट माई फोन आई हैव टू रिमूव द ग्लव्स, क्योंकि टच स्क्रीन काम कर रहा है. टच स्क्रीन यूजली काम नहीं करता, एंड इट्स प्रॉब्लम यू नो यू यूजिंग ग्लव्स व्हेन ऑपरेटिंग माई फोन. तो मैं सोच रहा हूँ कि कभी टाइम मिले ब्लेड से यहाँ पे हल्का छेद करूँ ग्लव्स में. यहाँ पे हल्का छेद करने से क्या, इफ माई स्किन इज एक्सपोज, आई थिंक आई विल बी एबल टू वर्क ऑन द स्क्रीन व्हाइल आई राइड. सो दिस इज द विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन. ओके, सो आई थिंक आई एम नाउ गेटिंग कनेक्टेड टू द नेशनल हाईवे इन 1.7 किलोमीटर्स. नाउ what's that, it seems so huge. I believe this is a factory or something, and this is the entire Vizag town which I can see. Wow, aisa jagah mein na rehne ka maza hi kuch aur hai. I stay in a place in Kolkata, matlab Kolkata mein mountains hai nahi kahin pe, hill bhi nahi hai aaju baaju. jana padega aapko Siliguri, wahan pe milega Himalayas, warna kuch hai nahi yaar. aisa lag nahi raha ki main India mein kahin pe hu. ऐसा गेम प्ले में दिखा रहा है ना PC गेम्स में, जैसे कि ये असासिन क्रीड सिंडी या फिर गॉडफादर गेम माफिया, लग रहा है वैसा ही कुछ रास्ता ले रहा हूँ.
I don't know if you can see this, but this is a massive solar power hub. So many solar panels. I don't know much about it, but ऐसा लग रहा है कि ऐसा 10-15 मेगावाट तो जनरेट करता होगा. Oh, there is the Visakhapatnam airport. And this place to my left is the Visakhapatnam cargo hub. National Highway 16 is one of the best national highways in terms of how smooth the roads are. But since this is not a national highway, this is just a state highway which connects Visakhapatnam to the main highway. And this is pretty decently maintained, I would say. And this is actually a bliss to ride your motorcycles through. So this is the Visakhapatnam city toll naka, and we are about to enter NH16 to Guntur. So as my GPS says, Guntur would be another 391 kilometers from here, and my expected time of arrival in Guntur is going to be 4. Okay, just came outside Vizag city, and to my surprise, Vizag is a big city and it extends a lot on the national highway. So pichla 20 kilometers jo tha ye pura traffic mein tha. I thought ki national highway aane ke baad traffic halka hoga, but nahi, bhi hai, like you can see. तो अभी प्लान ये है कि आई एम प्लानिंग टू हैव ब्रेकफास्ट, बट यहाँ पे नहीं, थोड़ा आगे जाके. सो व्हाइल आई मूव मोर एंड मोर टूवर्ड्स द साउथ, द एनवायरमेंट एम्बियंस इज चेंजिंग अ लिटिल. आई कुड सी पहले क्या रास्ते के साइड में इतने कोकोनट ट्रीज नहीं थे, अभी जगह जगह में कोकोनट ट्रीज, बिकॉज दिस इज़ अ कोस्टल रीजन एंड साउदर्न स्टेट्स आर फेमस फॉर देयर कोकोनट. तो इट सेम्स इट्स द सेम हाईवे NH16, लेकिन पहले का और अब का एम्बियंस हैज कम्प्लीटली चेंज्ड. ओके, सो वी आर गोइंग टू हैव अवर लंच हियर. राइट नाउ आई एम एट, जगह का नाम क्या है? रेगुपालो आलू मंची. आलू मंची, ओके. सो दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर आई एम इन, एंड द टाइम इज 9:32. मैं अपनी जिंदगी में पहली बार बिल्ली को डोसा खाती हुई देख रहा हूँ. फुल कर देना, ठीक है. पेट्रोल इज एक्सपेंसिव इन आंध्रा, 78.97. It's 10:40 and Guntur is still 322 kilometers to go. Okay, Google and you, okay. बस फंसाना मत कहीं बस. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. I'm kind of bored. Yeah, I'm bored basically. Coconut trees all around. I think this is a coconut plantation. Aisa to mujhe lagta hai bhai. Some tea and watermelon from the shop. Okay, so I'm back and ready to go. Now GPS says Guntur is another 261 kilometers from here, and it would take me 6 o'clock if I ride continuously straight. I don't think I will be able to make it by 6. It is only because I have to take one break, one or two breaks more.
We are still on National Highway 16 and I guess we need to go 40 kilometers more. This guy riding this bike continuously trying to race me. वो पिछले आधा घंटे से आगे पीछे करके ये वो करके इज रेसिंग मी वंस अगेन विदाउट अ हेलमेट. कितने लोग कहते हैं पुलिस पकड़ते हैं, एवरीबॉडी सेज दैट यू शुड वियर अ हेलमेट. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग विद दिस पीपल, दे डोंट वियर अ हेलमेट. और फिर ऐसे हाईवे में विदाउट एनी सेफ्टी गियर्स और एनीथिंग बाइक चला रहे हैं, दोनों हाथ से हैंडल भी नहीं पकड़ रहा, एक हाथ से हैंडल पकड़ के यू ऐसे ऐसे. ओके, फॉर द लास्ट 1 किलोमीटर सीधा यहाँ से रास्ते से 1 किलोमीटर स्ट्रेट, ऐसा कुछ 1.5 किलोमीटर तो होगा. दिस साइड इज कम्प्लीटली लाइंड अप विथ फ्लावर शॉप्स, इजंट इट ब्यूटिफुल. आगे और भी है, सी मतलब 1.5 किलोमीटर से पूरा फ्लावर का ही दुकान बस. नाउ अकॉर्डिंग टू गूगल आई माइट हैव टेकन अ रॉन्ग टर्न. तो मुझे सीधा यहाँ से 2 किलोमीटर के आगे लेफ्ट जाना था, लेकिन मैं लेफ्ट ना होके सीधा मेन हाईवे से ही आ गया टिल 5 किलोमीटर्स. फिर अचानक फ़ोन पे देख रहा हूँ कि गूगल आंटी कह रहा है कि टेक अ यू टर्न, तो अभी पीछे जा रहा हूँ मैं. आई माइट हैव टेकन अ रॉन्ग, मतलब ये सीधा रास्ता होना चाहिए, आई डोंट नो. ना अकॉर्डिंग टू गूगल आई माइट हैव टेकन अ रॉन्ग टर्न. तो मुझे सीधा यहाँ से 2 किलोमीटर के आगे लेफ्ट जाना था, लेकिन मैं लेफ्ट ना होके सीधा मेन हाईवे से ही आ गया टिल 5 किलोमीटर्स. फिर अचानक फ़ोन पे देख रहा हूँ कि गूगल आंटी कह रहा है कि टेक अ यू टर्न, तो अभी पीछे जा रहा हूँ मैं. तो अभी नेशनल हाईवे छोड़ कर के गूगल आंटी ने ऐसा रास्ते में लेके आया है, बैक साइड कंट्री रोड. कंट्री रोड सही है यार, मस्त है. एंड एज पर मैप्स ऐसा कह रहा है कि 1 किलोमीटर जाकर के कुछ तो एक डाइवर्शन आएगा, वो लेना है. नाउ दैट्स द डैम फॉर दिस रिवर, अभी ये डैम के ऊपर से ही जाना होगा. लग तो ऐसा रहा है 600 मीटर, अभी यही रहा 600 मीटर. 600 मीटर में तो ये डैम आ रहा है. एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड ढोलेश्वरम. नाउ दिस इज द डैम. सही लगता है यार डैम. तो भाई अपने को पहुंचना है गुंटूर जितना जल्दी हो सके. कौन से दुनिया में 188 किलोमीटर कवर करने के लिए 4 घंटे लगते हैं यार, ये 4 घंटे का एस्टिमेट क्यों बता रहा है गूगल. ओ माय गॉड, ये साइड पूरा नदी है एंड बिकॉज ऑफ दिस डैम ये पूरा सूखा पड़ा है. एंड आई बिलीव दिस मशीन ओवर दिस आर डैम गेट्स का मोटर है शायद. अगर मेरे पास ड्रोन होता तो मैं ज़रूर उड़ाता यहाँ पे, एक बार तो उड़ाता मैं, बट क्या करे गरीब आदमी नहीं है. नाउ दिस इज 4th सच ब्रिज आई एम क्रॉसिंग. ऐसा लग रहा है कि वही रास्ते से सेम जा रहा हूँ. मुझे भी लग रहा था कि मैं राउंड एंड राउंड घूम रहा हूँ, बट दिस 4 ब्रिजेस, दिस 4 रिवर्स, और ये अगर रिवर होगा तो आई डोंट नो, ये बैंक भी हो सकता है, एंड दिस थिंग आर एग्जैक्ट रिप्लिका. तो आप जब चलाओगे यहाँ पे आपको लगेगा कि आप वो सेम ही ब्रिज में जा रहे हो बार बार. ओके, नाउ इट एक्सप्लेन्स के 180 किलोमीटर रास्ते के लिए 4 घंटे का एस्टिमेट इसलिए दे रहा था, ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज़ कंट्री रोड, और कंट्री रोड नेशनल हाईवे नहीं होता. अगर नेशनल हाईवे होता तो 180 किलोमीटर्स के लिए शायद से गूगल आंटी 2.5 घंटे का एस्टिमेट देता. यू कैंट गो एज फास्ट, बट डेफिनेटली यू कैन हैव मोर एक्साइटमेंट विच आई एम वेरी श्योर ऑफ. मेरा पीछे का टायर का ब्रेक थोड़ा ढीला हो गया, थोड़ा टाइट करवाना पड़ेगा. देखता हूँ ये लोग करेंगे कि नहीं करेंगे. दादा दिस ब्रेक यू रेंच है, रेंच का वाला. हाँ लूज दिस वन, टू लूज.
मेरा टूल बॉक्स अंदर है, तो अभी ये काम करने के लिए पूरा बैग खोलना पड़ता है और इसके अंदर टूल बॉक्स है, तो इट कुड हैव टेकन सो मच टाइम। चलो नाउ दैट्स बीन टेकन केयर ऑफ। हाँ ये अब ठीक है, क्योंकि मैंने न्यू ब्रेक पैड्स डाले थे बिफोर आई स्टार्टेड फॉर दिस राइड, तो अभी क्या ना वो ब्रेक पैड्स हल्का वोर हो गया, इट वॉज नॉट गेटिंग मच बाइट। गूगल बाबा कहाँ कहाँ से लेके जा रहे हो, गुंटूर आज पहुँचाओगे कि नहीं? ये कहाँ पहुँचा दिया मुझे, ये तो कोई शहर के भीतर का रास्ता लग रहा है भाई। कहाँ नेशनल हाईवे में था, फिर स्टेट हाईवे में था, ये कहाँ लेके भेज दिया मुझे। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, ये रास्ता बंद है क्या, ट्रैफिक जैम, यहाँ से निकल जाता। अब यहाँ पे राइट लेने को बोल रहा है, यहाँ पे राइट टर्न है कहाँ पे है, ये राइट टर्न बोल रहा है। भाई ये कहाँ पे लेके आ गया भाई, नेशनल हाईवे में था फिर स्टेट हाईवे फिर शहर के भीतर अभी गली। यार गुंटूर आज पहुंचूंगा कि नहीं, गूगल आंटी। ओके फाइनली ये एक रास्ते पे लेके आया, अभी तो सही सेम ही रास्ता है यार, सेम ही तो लग रहा है, वही तो रास्ता था ये। अरे यार एक ही रास्ते में बार बार घुमा रहा है गूगल आंटी। ओके सो नाउ आई एम इन अ डिसेंट रोड, आफ्टर थोड़ा इधर उधर करके गूगल ने मुझे ये रास्ते पे लेके आया। तो राइट नाउ सीन ये है कि मुझे बहुत भूख लगा है, अब ठीक है। ओके सो बैक टू नेशनल हाईवे 16 वंस अगेन। ओके सो आई हैव एंटर्ड विजयवाड़ा नाउ, इट्स 5:50, बस यही है अभी तो। द रोड वॉज एज बोरिंग एज यूजुअल, नेशनल हाईवे होता है तो बोरिंग होता है, तो ज़्यादा कुछ मैं और फिर शूट नहीं किया। एंड आई टेल यू व्हाट, लेट मी जस्ट गो इनसाइड द सिटी, फाइंड अ डिसेंट होटल, लेट मी अनपैक एंड देन वंस आई गो लेट मी फ्रेश अप एंड देन आई वुड गेट बैक टू यू। ओके सो आई रीच माय होटल, राइट नाउ द टाइम इज क्लोज टू 10। होटल ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि विजयवाड़ा में माय जीपीएस वाज नॉट वर्किंग अगेन, और इधर यहाँ वहाँ पूछते आई केम टू दिस होटल। मीन आई थिंक दैट आई हैव मेंशनड दिस इन माय प्रीवियस ब्लॉग एंड आई एम मेंशनिंग इट इन दिस ब्लॉग एज वेल, कि यहाँ के जो नॉर्मल आदमी लोग हैं उनको हिंदी नहीं आता, बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर एनी ट्रैवलर टू कम्युनिकेट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड तेलुगु एंड आई डोंट। तो ये है, अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गॉड ब्लेस, कीप स्माइलिंग, राइट सेफ। नाका डेट वी आर क्रॉसिंग, मैं हमेशा वी क्यू कहता हूँ यार आदित्य, ट्राई टू अंडरस्टैंड डेट यू आर अलोन। मैं हमेशा दोस्तों के साथ राइड करता हूँ तो वी 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 कहता हूँ मैं।